आसाराम पुलिस की गिरफ्त में है तो आसाराम का बेटा नारायण साईं बहरूपिया बनकर पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहा है। आसाराम के बेटे नारायण साईं को अब मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जंगलों में देखा गया है। डिंडोरी के जंगल में दिखा नारायण साईं। पुलिस का जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी। कब तक भागता फिरेगा नारायण साईं? नारायण की जमानत पर आज सुनवाई। सूरत की सगी बहनों से रेप के इल्जाम से घिरे आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ इधर पुलिस पुख्ता सबूत जुटाने में लगी है, तो उधर नारायण साईं पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार होने के रास्ते तलाश रहा है। कभी बड़ी बड़ी दाढ़ियों के साथ तो कभी क्लीन शेव चेहरों में नारायण साईं बहरूपिये की तरह अलग अलग भेष बदल कर पुलिस को चकमा देने में जुटा है। इस बार नारायण साईं मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जंगलों में देखा गया है। डिंडोरे के जिन लोगों ने नारायण साईं को देखने का दावा किया है, उनका कहना है कि नारायण साईं एक बड़े से बैग के साथ डिंडोरे के जंगलों में मौजूद है, यानी किसी तरह वह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागने की फिराक में है। हालांकि स्थानीय लोगों की नजरों में जैसे ही नारायण साईं आया, इन लोगों ने बगैर वक्त गवाए इसकी खबर पुलिस को दे दी, जिसके बाद एसपी डिंडोरी ने नारायण साईं के तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश पुलिस की टीम डिंडोरी के जंगलों में नारायण साईं का सुराग तलाश रही है। रेप का केस दर्ज होने के बाद से ही आसाराम का बेटा नारायण साईं पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। सूरत बलात्कार केस में पुलिस नारायण साईं की तलाश कर रही है, लेकिन नारायण साईं अब तक फरार है। पुलिस के लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद भी अब तक नारायण साईं पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। नारायण साईं की तलाश में गुजरात पुलिस ने गुजरात, एमपी, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और बिहार में छापेमारी की है, लेकिन नारायण साईं को पकड़ पाने में पुलिस नाकाम रही है। हालांकि डिंडोरी से पहले सिवनी में नारायण साईं को देखा गया था। 19 अक्टूबर को नारायण साईं को छपरा इलाके में एक इनोवा गाड़ी में देखा गया था, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आ सका। इधर कानूनी पेचीदगियों का सामना कर रहे नारायण साईं को न्याय के मंदिर से भी राहत मिलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। सूरत की लड़की से रेप और यौन शोषण के मामले में फंसे नारायण साईं की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टल गई और आज फिर से नारायण साईं की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।